हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इजी और वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्त हुआ न्यू, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और मैंने कैमरे को अच्छे से सेट कर दिया। ये हम लोग होटल रूम में, स्टेशन के पास में ही बिल्कुल होटल रूम हम लोगों ने लिया हुआ है। हम लोग पहुँच चुके हैं इंदौर। कल रात को 11 बजे हम लोग पहुँचे और ऑन द वे ओंकारेश्वर से जब हम लोग आ रहे थे तब हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट्स मिल रहे थे। ओपन ओपन ढाबा, इतने बड़े बड़े ढाबा होते हैं वहाँ पे, वेज खाली खाना मिलता है। जो भी आपको पसंद हो आप खा सकते हैं। हम लोगों ने बहुत टाइप की आइटम्स खाई। मैंने पाव भाजी, पापा ने डोसा, मसाला डोसा, रबड़ी थी बहुत सारी, रसमलाई खाया मेरे ससुर जी ने और बाबा ने बड़ा सांभर और कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसे 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 करके हम लोगों ने खा लिया। तो रात को हम लोगों ने डिनर नहीं किया करीब 9:30 बजे तक, और 11 बजे तक तो हमको लगी गए क्योंकि वन वे है इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और पहुंच गए और अभी हम लोग, अभी टाइम हो रहा है 8 करीबन बज रहे हैं और हम लोग सब तैयार हो चुके हैं ऑलमोस्ट। खाली अभिनव तैयार नहीं हुए, सब बाकी रेडी हो चुके हैं क्योंकि हम लोग के पास बहुत ही कम टाइम है, ज़्यादा कुछ टाइमिंग नहीं है क्योंकि प्लानिंग में ऐसा कुछ था ही नहीं ना। तो इंदौर में बस अभी से लेकर 4 बजे तक जितना होगा हम लोग घूमेंगे क्योंकि 4 बजे की अपन की ट्रेन है अब हम लोगों की, और ट्रेन भी पूरी डायरेक्ट नहीं मिली थी। तो इंदौर से हम लोग 4 बजे बैठेंगे तो कल पहुंचेंगे 1:30 बजे बिलासपुर। फिर बिलासपुर में हम लोग को ट्रेन मिली 4:30 बजे मिली है, वो पहुंचेंगे हम लोग 6:30 बजे तक पहुंचेंगे झारसुगुड़ा। फिर गाड़ी आ जाएगी लेने के लिए, गाड़ी आएगी फिर उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे सुंदरगढ़। और बस मैं अब इंदौर में, वैसे आप सबको पता ही है बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं देखने के लिए। पापा माँ और तो बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन अहल्या किला जो है वो माँ बोल रही है देखने के लिए, तो होगा तो वो हम लोग दिखाएंगे जाएंगे। और गणेश जी का मंदिर है, पता नहीं वो जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और IIM इंदौर है तो वो अभिनव बोल रहे थे कि देखने के लिए, अब वो नहीं पता। बाईपास में हम लोग IIT इंदौर बाहर से देखा था ना कल जब हम लोग बाईपास में जा रहे थे। और यहाँ पे कपड़ों का टेक्सटाइल है लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या कैसे संभव है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिए, जो होगा मैं दिखाऊंगी मेरे थ्रू हम लोगों ने क्या किया, कैसे क्या किया। और आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, जरूर अच्छा लगेगा। और बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और आप सबका प्यार ऐसे ही मेरे परिवार को देते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं जहाँ जाऊँ। तो ये हम लोगों का होटल है और मौसम बहुत ही अच्छा है। और 10 बज गए हैं, करीबन 10 बज चुके हैं, बस आया हम इंदौर देखना है। हाँ तो हमें भी वो मंदिर देखना है, कुछ कुछ देखते हैं। हम लोगों ने ऑटो बुक कर लिया है और छोटे मोटे जो भी जगह है, होटल हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, तो जो भी होगा हम लोग जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो दुकान इतने बंद क्यों है, संडे है आज, पता नहीं क्या है। चलो चलते हैं। हम लोग नाश्ते के लिए पहुंच गए हैं मथुरा वाला, ये कहते हैं कि बहुत ही फेमस है नाश्ते के लिए इंदौर में। तो आप लोग भी आइएगा और हम लोग भी अभी जाते हैं, खाते हैं, देखते हैं कैसा, डेफिनेटली अच्छा होगा। चलिए से स्टेशन, ये पड़ेगा आप लोगों को। स्टेशन नहीं, होटल आएंगे यहाँ। होटल ही, हमारी ट्रेन 4 बजे की, हमको 3 बजे निकलना है स्टेशन पे, 3:15 में निकलना है। आपको सर 2 बजे तक के पूरा मंदिर घुमा के आप ये छोड़ देंगे यहाँ पे, उसके बाद आप खाना वाना खाओगे, टाइम पे लगेगा, 3 बज जाएगी आपको। होते हुए हम लोग जाएंगे अभी अहल्या, कहाँ जाएंगे ना? अहल्या भवन, बड़े ही साफ सुथरी नगरी है ये देखिए मार्केट। ये कौन से मंदिर है? ये मंदिर नहीं है, हाँ? नहीं, वाह खूबसूरत है ये, ये छतरी है किशनपुरा की, किशनपुरा की छतरी है। ऑटो में घूमने का ये फायदा है ना, हाँ? हाँ कार वार में बंद रहता है, सही में देखो ना, ऐसे मैंने इतना सुना। हाँ मम्मी ऑटो में ओंकारेश्वर जाते हैं तो 3 घंटे की 5 घंटा पता नहीं कितना लगता। आप कभी आओ ना दीदी, हाँ
जय मल्हार। हम लोग पहुंच गए हैं अहल्या बाई के भवन में, यानी कि ये भवन है, मतलब यहाँ पे वो रहती नहीं थी, यहाँ से दरअसल सामने में उनकी सभा लगती थी और यहाँ पे वो पूजा करने के लिए आया करती थी, यानी कि सीक्रेट मीटिंग भी शायद होता होगा उस ज़माने में, क्योंकि ये उस 1700 की बात में कर रही हूँ, 1700 कितने में 25 में आई थिंक इनका बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, और मुगल तब थे वहाँ पे, तो इन्होंने तो युद्ध भी किया हुआ है मुगलों के साथ में, और ये कोई राजघराने से बिलोंग नहीं करती थी, ये साधारण सा एक मंत्री की बेटी थी, लेकिन उनमें वो कला थी जो कि राजा ने पहचाना और उनको अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यही क्वीन बन सकती थी, मतलब ये वहाँ की क्वीन थी। और ये देखिए उनकी तस्वीर, और मतलब वो इतना अच्छे शासक थी कि उनका उनके नाम से ही मतलब पहचाना जाता है, और इनके नाम से अभी सोनी में सीरियल्स भी है, तो उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा जानकारी हो मतलब ले लिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग को सिर्फ झांसी की रानी के बारे में ही पता है, लेकिन दूसरे और भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं ना, मतलब जो कि हमारे हिस्ट्री में और हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने फाइट किया है। और ये शिवलिंग है जो कई सालों से पूजा पाया जाता है, और वो ना शिव आराधक शिव जी को पूजा करती थी, आराधना करती थी, ओमकारेश्वर जी से जो भी लिंग मिला है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे लिंग हैं, तो वो उन्हीं का पूजा किया करती थी, अभिषेक किया करती थी, वो पता चल जा रहा था यहाँ पे हर जगह शिव जी के ही थे। और उनकी जो हिस्ट्री थी, उन्होंने कैसे अपने शासन काल में क्या क्या किया है, उनकी फैमिली के बारे में टोटल यहाँ पे विवरण किया गया है। देखिए 1725 में जन्म है और 1795 में उनका स्वर्गवास हुआ था, किन किन शासकों के साथ में उन्होंने फाइट किया है, युद्ध में गई और जीता भी है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे वर्णित हैं। और ये इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब हम लोग जैसे टीवी सीरियल फिल्मों में देखते हैं बिल्कुल हूबहू, मतलब उससे भी अच्छा है। और ये ऊपर में अब जब आएंगे ना, यहाँ पे म्यूजियम है, मतलब पुरानी चीज़ें जो है वो बहुत खूबसूरत के साथ खूबसूरती से अच्छे से रखा गया है, और पूरी हिस्ट्री मतलब मराठों की हिस्ट्री कैसे क्या सब कुछ वर्णन है, पूरा अच्छे से नर्मदा नदी के बारे में सब कुछ बहुत खूबसूरत से लिखा गया है। और ये देखिए तलवार है, लेडीज़ लोग भी युद्ध करते थे, औरतें भी करती थी, तो वो सब चीज़ें हैं, बंदूक है उस ज़माने की। और यहाँ पे छोटे छोटे कठपुतली बनाए गए हैं, जब वो मंदिर में जाती थी, सभा में बैठती थी, कैसे क्या करती थी, उन सब चीज़ें यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे बना के रखा गया है, ताकि हमको समझने में आसानी हो। देखिए कितना सुंदर बनाए हैं, और जिन्हें जो सीरियल देख रहे हैं अभी उनको तो खैर पता चल ही जाएगा, कनेक्ट कर पाएंगे। और ये देखिए आई थिंक 200 साल पुराना, 200 साल से भी ज़्यादा होगा ये जो कपड़े बनते थे ना ये। और ये देखिए खिड़की है, मतलब दो स्टेप आप चढ़ोगे फिर जाके ऊपर से आप देख पाओगे। और ये पालकी है जिसमें अहल्याबाई बैठती थी, वो कितने अच्छे तरीके से सजा के रखा गया है। हम अभिनव बहुत सारे क्लिक उठा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से हम लोग सीधा निकल गए, ऊपर में लाइब्रेरी भी है, मतलब पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास में इतना भी समय नहीं था तो हम लोगों ने देखा, लेकिन आप लोग ज़रूर वहाँ पर जाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा, एकदम देशभक्ति की भावना आ जाती है अंदर में, और बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। और ये हम लोग पहुँच गए हैं जैन मंदिर में, ये कांच मंदिर है, मतलब अंदर में कांचों से भरा, मिरर से छोटे छोटे टुकड़ों से इतना सुंदर सजाया गया है, लेकिन ये हम लोगों ने जल्दी कवर कर लिया, अंदर में तो वीडियो बिल्कुल अलाउ नहीं, एकदम चकमक चकमक कर रहा था अंदर का, बहुत अच्छा लगा। और ऊपर का ना बंद है कोविड की वजह से, तो बस नीचे में ही हम लोगों ने घूमा, तो हम लोगों ने ये जल्दी कवर कर लिया, बहुत खूबसूरत था। और हम इस हमारे पास टाइम तो बहुत ही कम था, तो इसीलिए हम लोग ना अन्नपूर्णा मंदिर जो है वो दर्शन नहीं कर पाए। और ये जो आप लोग देख रहे हैं आई लव इंदौर, ये तो जगह जगह पे हमें, और बहुत बड़ा बड़ा खूबसूरत भी एकदम बहुत सारे जगहों में, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिटी है। चलो बस हम लोग थोड़ा एक दो फोटो उठाए, लेकिन बहुत अच्छा लगा जो भी हम लोगों ने देखा। और इसके बाद हम लोग निकल गए हनुमान जी के मंदिर। वैसे तो राउरकेला में बहुत ही बड़ा हनुमान जी का मूर्ति भी है, एशिया का आई थिंक सेकंड नंबर सबसे लंबा मूर्ति होगा, लेकिन खूबसूरत भी है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लगा, एकदम नीट एंड क्लीन था और बहुत खूबसूरत था, तो मतलब जैसे बनाया गया है इसे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, अच्छा लगा हम लोग को। बस आप लोग यहीं से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि अंदर में मैंने वीडियो नहीं लिया है, तो आप अगर जब जाएंगे इंदौर दर्शन में तो आप लोग ये जगह देख सकते हैं, क्योंकि हर जगह का एक अलग अपना मज़ा होता है। तो बस उसके बाद सीधा निकल गए डेस्टिनेशन पे। वाह वाह इतना सुंदर लग रहा है, स्पीड चलाओ। वाह वाह बड़ी खूबसूरत सी लग रही है मेरे वीडियो में। लाल बाग पैलेस, ये तो काफी बड़ा होगा लग रहा है, राजा महाराजाओं का टाइप का। हाँ
ये गोलकर राजा के पैलेस है और अहल्या बाई जो हमने देखा वो पैलेस इनका नहीं है, उनका यहाँ से 80 किलोमीटर दूर में उनका पैलेस है, उनके बच्चों का पैलेस है और ये 5 बजे तक बंद हो जाता है। बाबा लास्ट टाइम आए थे तो देख नहीं पाए थे तो इस बार देख रहे हैं। कितने तरह तरह के पिक्स उठाते हैं लोग ना, खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। अंदर में तो कुछ अलाउ है नहीं, बाहर हमें फोन डिपॉजिट करना पड़ेगा। चलिए फिर अंदर जाके आती हूँ। फिर उसके बाद में हम लोग देखिए पीछे देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर सा गेट है। अंदर में जो देखा मैंने मैं बता देती हूँ, और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी अंदर, मतलब अंदर में खेल रीडिंग रूम अलग सा था, राजा के जो सैलॉन होते हैं वो देखा हमने, रानी का कमरा देखा, सब बंद है ऊपर में। हालांकि नीचे जो है वो एरिया एक्टिव है, ऊपर में कुछ कुछ जगह एक्टिव था, लेकिन जो देखा हम लोगों ने बहुत अच्छा लगा। और एनिमल्स के जो होते हैं ना ओरिजिनल दांत, ये सब चीज़ें भी अच्छे से स्टोर करके रखा गया है। हड़बड़ी में जो हुआ नहीं, मतलब अच्छे से देखा, इसमें कोई ये नहीं था। आप लोग जब आएंगे आप एकदम देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग सीधे निकल गए, हम लोग जो हमारा सबसे खूबसूरत जगह था, लेकिन एकदम टाइट शेड्यूल था ना, टाइम एकदम हो गया सब चीज़ देखते देखते। ये आ गए हम लोग खजराना गणेश जी का मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस है और थोड़ा सा ना दूर में है, मतलब हम लोग जहाँ से देख रहे थे पैलेस उससे थोड़ा सा दूर था, तो इसीलिए थोड़ा सा समय लगा। लेकिन मैं इतने मतलब हम लोग हड़बड़ी में थे, आप मैं बता नहीं सकती। ये हम लोग का लास्ट है, यहाँ यहीं पे हम लोगों ने देखा, उसके बाद सीधा हम लोग स्टेशन चले गए होटल रूम से। तो ये जो दूर से आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग समझ सकते हैं कितना खूबसूरत है। यहीं से प्रणाम कर दीजिए। और यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं मतलब प्रसाद के, और जो भी लेना है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं ले पाए, एकदम टाइम ही नहीं था, एकदम दौड़ दौड़ के देख रहे थे। और मतलब हमें डर लग रहा था कि लंबी लाइन होगी क्या होगी, लेकिन चलो हो गया, दर्शन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने दूर से थोड़ा दर्शन किया, एकदम पास से हम लोग नहीं गए। और इतनी सुंदर चित्र पेंटिंग, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा दिल कह रहा था कि मैं फ़ोटो उठाऊँ, लेकिन मैंने जैसे कि कहा टाइम ही नहीं था और थोड़ा सा, तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ नहीं उठाया। लेकिन मेरी मम्मी चल भी नहीं पा रही थी बेचारी, कैसे कैसे चल रही थी, लेकिन हो जाता है जब आपके मन में आप ठान लो ना कि मुझे देखना ही है, तो आप एकदम देख सकते हो। और मेरे से जो हो सका ना, मोबाइल से मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था ना कि यार मैं शूट कर रही हूँ, लेकिन इतना खूबसूरत था ना, मैं मुझे लगा कि मुझे आपको दर्शन करवाना चाहिए। और इनफैक्ट बाहर प्रसाद भी मिल रहा था, लेकिन बहुत लंबी लाइन थी, तो हम लोगों ने प्रसाद कुछ भी नहीं किया, बस हम लोगों ने दान बख्शी में थोड़ा सा कुछ डाला, बस उतना ही। और यहीं से देखिए एंट्री है, बहुत खूबसूरत है। आप लोग ये देखिए, मैंने वीडियो लिया थोड़ा सा गणेश जी का, ये बहुत ही फेमस है, बहुत सुंदर है, जो कोई आता है वो ज़रूर आता है। और हम लोग जो पैलेस गए थे ना, तब हम लोगों ने उड़िया, कुछ उड़िया लोगों को भी हमारी मुलाकात हुई, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी आई थिंक कोई उड़िया थे जो अभिनव से मिले, जो कि बहुत सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। और ये सिद्धि विनायक जी का गणेश जी का मंदिर है, और बहुत सारी ऊपर में नवग्रह का था मुझे याद है, और ऐसे राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है, बहुत सारे मंदिर के थे। तो ये हनुमान ऐसे तो रहते हैं छोटे मोटे, लेकिन ना ये जब मैं कर रही थी मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा राउंड सर्कल ले लूँ आप सबके लिए, और कम टाइम में जो हो सका हमने लिखिया। लेकिन आप लोग जब भी जाएंगे जरूर दर्शन करिए, और मेरे वीडियो को प्लीज़ पसंद करिए। और तो ये आपको पता है दीयों का स्टैंड है यहाँ पे लगाया जाता है। बाबा ने तो बहुत खूबसूरत सा एक पिक भी उठाया हड़बड़ी में हमसे जो हुआ, और मैंने बस फैमिली पिक एक दो ठो अच्छा सा उठाया, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं जो ले रही हूँ वीडियो क्या ले रही हूँ क्या नहीं, तो मैंने एक दो ठो पिक भी डाला हुआ है। चलो, और आप लोग प्लीज़, मुझे पता नहीं क्यों मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा मैं आपको टूर करवा रही हूँ, दर्शन करवा रही हूँ। और मेरे इंस्टा को भी आप फॉलो कर सकते हैं, रील्स बड़े प्यारे प्यारे मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा आप कोशिश करिए व्यूज़ बढ़ाने के लिए, और आपका प्यार मुझे दे दीजिएगा। और ये देखिए मेरी ईशु नौटंकी डाल भगवान को प्रणाम कर रही थी। और ये देखिए ना कितना खूबसूरत है, कितना लंबा स्टैंड है ये दियों का। और ये मम्मी पापा बाबा माँ है, ये जो है ये एंट्री का पिक है, इसीलिए मैंने डाला। खूबसूरत बाबा उठे पारे आमोटा मुई माँ बाबा टा उठे जो बहुत सुंदर दिखाओ मोबाइल में बाबा। चलो 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 और
और इतनी हड़बड़ी थी क्योंकि मतलब 4 बजे की हम लोगों की ट्रेन थी और हम बहुत लेट हो चुके थे और इवन हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं, मतलब जो नाश्ता बस किया था तो मैंने हम लोगों ने पैकिंग करके रखा हुआ था तो बस रूम चेकआउट किए और सामान लेके चले गए और यहाँ पे एकदम हड़बड़े। मेरा दिल बहुत उदास था क्योंकि मुझे ना बड़ा शौक है थोड़ा सा मतलब शॉपिंग करने का, कुछ घूमने का। कपड़े ना भी खरीदूँ ना, मैं थोड़ा सा घूम आती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बताऊँ, इंदौर वाकई बहुत क्लीन सिटी है, मतलब आपको कुछ डालने में भी हिचकिच होगी। मतलब हम लोग बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सिटी। और देखिए हम लोग स्टेशन पहुंच गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन तब तक हमारे पास खाना नहीं आया था। चलो फाइनली हम लोग, कम से कम हमारी ट्रेन लगी हुई थी, हम लोग पहुंच तो गए। और आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं और नेक्स्ट ब्लॉग जो है ना मेरा वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं कनेक्ट करके डाल रही हूँ ना तो आप लोग को अच्छा लगेगा। कम से कम आपका इसी बहाने दर्शन तो हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।